हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना प्रभावित होता है, यह किस प्रकार से प्रभावित होता है? मन के द्वारा प्रभावित होता है, आत्मा द्वारा, बुद्धि द्वारा, या फिर प्रेरणा के द्वारा? तो आपका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 61 नंबर क्वेश्चन में। आज के इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। आपको स्कोरिंग करनी है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। इसके पहले का वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, 125 क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन से संबंधित वहां पर दिए गए हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है और किस लेवल पर आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रिलेट करेगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर सभी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ, डी ऑप्शन, प्रेरणा के द्वारा यानी मोटिवेशन के द्वारा। राइट आंसर डी उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रशिक्षण स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार, या फिर चार प्रकार? बताइएगा, प्रशिक्षण स्थानांतरण कितने टाइप्स का होता है बताइए। जल्दी से राइट आंसर अपना अटेम्प्ट करिएगा, जिस भी रफ कॉपी में अपना सही आप लोग डेली क्विज सॉल्व करते हैं। और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, टीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएससी, केवीएस, एनवीएस और साथ में राजस्थान पीटीआई, जो 5126 वैकेंसीज आनी है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अगर नए स्टूडेंट से तो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। राजस्थान पीटीआई में आपका राजस्थान जीएस प्लस फिजिकल एजुकेशन दोनों से संबंधित क्वेश्चंस डेली ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 मई से यह बैच शुरू कर दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन होना चाहते हैं वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन चांस आपको मिला है राजस्थान पीटीआई के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, आंसर क्या आपने टिक लगाया? सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रशिक्षण स्थानांतरण का प्रकार है? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्यात्मक स्थानांतरण, या फिर डी ऑप्शन भी एक दिया हुआ है, इनमें से सभी? तो बताइएगा, इनमें से प्रशिक्षण स्थानांतरण का प्रकार कौन सा है? क्या धनात्मक स्थानांतरण हो सकता है, क्या ऋणात्मक होगा, या फिर शून्यात्मक स्थानांतरण? बिल्कुल सही आंसर है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? अब बताना है आपको, जो अभ्यास का नियम है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्लेटो महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, पावलोव, या फिर थार्नडाइक, या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान पीटीआई, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट जो भी जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो भी आए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और जो 5126 पद हैं राजस्थान में, इसमें से एक पद आपको सिर्फ प्राप्त करना है, इसलिए मेहनत इतनी करिएगा कि इस बार सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा यहां पे सी ऑप्शन, थार्नडाइक महोदय से रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 65 नंबर। और डेली का डेली आप लोग पढ़ाई करिएगा, रिवीजन करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा और स्कोरिंग अपनी अवश्य करिएगा, क्योंकि इससे ही आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से और सही ढंग से हो सकती है। क्योंकि आप जब अपना लेवल जानते होंगे कि किस लेवल पर पढ़ाई चल रही, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट आउट कर सकते हैं। निम्न में से प्रभाव का नियम बताना है, संतुष्टि का नियम क्या प्रभाव के नियम से रिलेट करता है? नेक्स्ट है, पुरस्कार एवं दंड का नियम क्या इससे संबंधित है?
सी ऑप्शन है, ये दोनों यानी ए व बी दोनों क्या रिलेट करते हैं, एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स को आता है आंसर, लेकिन जल्दबाजी में क्या करेंगे, या तो ए टिक कर देंगे या तो बी टिक कर देंगे, जबकि आंसर हो जाएगा यहां पे ए व बी दोनों सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपयोग और अनुपयोग का नियम है। यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, 22 अप्रैल को भी अभी कंप्यूटर की वैकेंसी जो अभी तक आती नहीं थी वो भी ऐड कर ली गई है, तो इसका मीनिंग साफ साफ पता चलता है कि यूपी में टीजीटी और एलटी ग्रेड का भी वर्क प्रोग्रेस पर है। जब भी वैकेंसी आएगी आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का टाइम मिलेगा, और 3 महीने में कोई प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं की जा सकती, इसलिए अभी से तैयारी करिएगा जिससे जब भी एग्जाम हो आप 100% अपना रिजल्ट दे सकें। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा उपयोग और अनुपयोग का नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा राइट आंसर क्या होता है, यूपी टीजीटी, जबकि राजस्थान पीटीआई और एलटी ग्रेड के लिए 1000 रुपीज का आपको पेमेंट डन करना होगा, कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 66, अभ्यास का नियम, बिल्कुल सही आंसर, सभी ने अटेम्प्ट किया हुआ, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 67 नंबर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता, कौन से साधन के द्वारा, शारीरिक शिक्षा के कौन सा साधन है जिससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, डायग्राम या फिर डी ऑप्शन, इनमें से सभी क्या होगा, आंसर अटेम्प्ट करिए, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। डी ऑप्शन जितने भी लोग लगाए हैं गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन मॉडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का प्रमुख घटक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है जो सीखने का प्रमुख घटक है, प्रेरणा, रुचि, ध्यान या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, बताइएगा। 68 सीखने के प्रमुख घटक की बात की गई है, तो क्या होगा, क्या प्रेरणा होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, रुचि भी होगा, ध्यान भी होगा, डी ऑप्शन इनमें से सभी के साथ में रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, गहन अध्ययन का थंडाइक नियम बताना है आपको, कार्य का नियम, सेकेंड है कार्यशील का नियम, प्रभाव का नियम या फिर ध्येय का नियम। 69 का आंसर क्या टिक लगाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स, राजस्थान जीके जिसने भी कंप्लीट कर लिया सिलेक्शन सुनिश्चित तौर पर उसका हो जाएगा, यह विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी राजस्थान जीके भी पढ़ना चाहते हैं वह कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। बैच आप लोगों का 5 मई से शुरू कर दिया जाएगा, अगर आप यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां भी आप अलग से जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का एक नया बैच बिल्कुल अलग चलेगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन तो तीनों में आपका कॉमन पड़ेगा, लेकिन जो जीके आपका होगा एलटी ग्रेड और जो राजस्थान पीटीआई का होगा वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि वहां पे आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंस नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए उसको अलग बैच शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या अटेम्प्ट किया, 69 नंबर का, क्या प्रभाव का नियम होगा, बिल्कुल होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहिएगा, गहन अध्ययन का नियम बताइए, 70 नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन, पर्यावरणीय मांग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था। 71 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान पीटीआई और यूपी टीजीटी में। प्लेटो, पावलोव,
दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन जो भी लगाएंगे उनका गलत हो जाएगा। पावला बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इस उत्तर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर मनोविज्ञान अध्ययन है। ये क्वेश्चन कई बार आपको कराया भी गया है और एग्जाम में आता भी है, बस वहां पर आपको ये ध्यान रखना ऑप्शन क्या दिए हुए हैं उन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट करना है। 72 है मानव मन का, मानव व्यवहार का, मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का, या फिर डी ऑप्शन है संवेग का। मनोविज्ञान अध्ययन है 72, बी ऑप्शन मानव व्यवहार का। बिल्कुल आंसर आपने अटेम्प्ट किया करेक्ट, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट होते हैं, बस इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। बस कंपटीशन ये ना सोचिएगा कि आपको ही सब कुछ आता है, लेकिन ये भी ना सोचिएगा कि हमें कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। थोड़ी सी और मेहनत करेंगे आप सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, परिपक्वता पर निर्भर करता है, आयु पर निर्भर करता है, आनुवांशिकता या फिर शारीरिक गठन पर निर्भर करता है। जो भी स्टूडेंट्स पुराने हैं, किसी भी बैच में आप जुड़े हुए थे, उनके लिए ऑफर जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो ऑफर आपको राजस्थान का जो नया बैच है उसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। पुराने स्टूडेंट्स एक बार कॉन्टेक्ट अवश्य कर सकते हैं अगर जुड़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर यहां पे हो जाएगा परिपक्वता पर, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके पहले के वीडियोस को आप लोग एक से दो बार अवश्य रिपीट करिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज वहां पर प्रोवाइड की गई है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर करने का कार्य करेंगे। और साथ में जो प्रेजेंट टाइम में क्विज कराई जा रही है ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपका ही फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74 डी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 75 नंबर है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है क्या, अनुकरण, अभ्यास, निरीक्षण, डी ऑप्शन स्मरण। बताइए गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है क्या, बिल्कुल अभ्यास है बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 76 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया। जस्ट अभी जो मैराथन क्लास आपको 125 क्वेश्चन की दी गई थी उसमें ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, कोहलर को टिक लगाइए कि राइट आंसर होगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न में से अभ्यास का नियम बताना है आपको, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, ए व बी दोनों, या फिर यहां पे एक डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे 77 में, निम्न में से अभ्यास का नियम है कौन सा है, क्या उपयोग का नियम होगा या फिर अनुप्रयोग का नियम होगा। यहां पे तो आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 78 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, मैराथन क्लास की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें, स्वयं को समझने में सहायक है, बालक को समझने में सहायक है, सी ऑप्शन है शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। कौन सा आंसर यहां पे आप अटेम्प्ट करेंगे, ए बी सी या फिर डी उत्तर इसका आंसर होगा। तो ये आंसर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, बिल्कुल यहां पे आप लोग जो भी स्टूडेंट्स बी ऑप्शन टिक लगा रहे हैं ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। यहां पे चार ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया इसका राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो का सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीखना प्रभावित होता है मन से,
क्रो एवं क्रो के द्वारा ये प्रभावित होता है, यह कथन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे मिस्टेक है, एक मिनट, सीखना प्रभावित होता है, एक तो मन से हो जाएगा, क्रो एवं क्रो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये प्रेरणा से मोटिवेशन से प्रभावित होता है सीखना सबसे ज्यादा, डी ऑप्शन। अभी रिपीट किए एक आंसर आपका, वहां पे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बी ऑप्शन को आप डिलीट कर दीजिएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑडियो मोटर ट्रेनिंग को कहते हैं क्या? कहते हैं शारीरिक अभ्यास कहते हैं, मानसिक अभ्यास कहते हैं, पुनः सीखना या फिर तकनीकी भिन्नता बोलते हैं, बताइएगा। ऑडियो मोटर ट्रेनिंग को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मानसिक अभ्यास। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया हुआ राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड केवीएस एनवीएस राजस्थान पीटीआई एवं अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित होते हैं और झारखंड पीटीआई से रिलेटेड, सभी के लिए एक समान एक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक से दो बार रिपीट अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यूपी टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 9621819209 पर सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज का आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि राजस्थान पीटीआई और यूपी एलटी ग्रेड के लिए आपको जीएस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना होगा। बैच राजस्थान पीटीआई का 5 मई से नया लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 5126 पोस्टों में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो वहां पे जुड़ सकते हैं। बाकी तैयारी सभी लोग करिएगा, बहुत ही मेहनत से तैयारी करिएगा, सिलेक्शन आप सभी का होगा, क्योंकि पोस्टें बहुत ज्यादा दी हुई हैं, इसलिए कोई भी इस बार पीछे नहीं रहना चाहिए, सिलेक्शन सभी का होना चाहिए। तो नए वीडियो में मिलता है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हुए हैं।